चैनल पूरी नहीं खेलते गाइस, अपन आज निकल रहे हैं एक मस्त ऐसी जर्नी में। आपका नए वीडियो में स्वागत है और बहुत ही अच्छा लॉन्ग रूट होने वाला है, फर्स्ट टाइम विद अपनी फॉक्स वैगन। देखते हैं अभी कितना मज़ा आता है लॉन्ग ड्राइव के लिए। अभी ऑलमोस्ट मुझे 550 किलोमीटर चलाना है। अभी बज गए हैं 8 बजे हम निकले यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी बाय मैप, अभी मैप पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजिंग है, 3-4 रूट बता, लेकिन मैं जाऊँगा बाय अम्बोली घाट, मुझे एंजॉय करते हुए जाना है। तो कोई पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है, 3-4 दिन 5 दिन भी अपना बुकिंग है वहाँ पे। और लास्ट ईयर जो अपने फ्रेंड थे साथ में, अतुल प्रभात सर, दोनों भी साथ में रहेंगे और मज़े करेंगे वापस 3-4 दिन गोवा में। तो अभी बस निकल दे, एवरीवन रेडी, पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है और चलो। रेडी हो सब लोग? रेडी रूही, वेरी सी। तो ये है इधर, ये देखिए छुप छुप के, पता नहीं क्यों नहीं बात कर रही, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लास्ट ईयर जो फ्रेंड्स साथ में थे उन्हीं के साथ हर साल एक प्लान होता है, इस साल गोवा है, देखते हैं कितना मज़ा आता है। लेकिन दोनों जो रिसॉर्ट है गोवा के वो एंजॉय करेंगे, कौन से रिसॉर्ट है आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। चलो मिलते हैं अभी रास्ते में वापस से। अपना ब्लॉगिंग का जो यहाँ का सेटअप है वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। हम बहुत आने के ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ड्राइव किया अभी तक मैंने, अभी थोड़ा रेस्ट के लिए रुके, वॉशरूम वगैरह सब। रूही तो सो ही रही है, ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, उसके बाद में वो आराम से अंदर सो रही है। तो चलो थोड़ा सा रुकते हैं, अभी पेट्रोल वगैरह भरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फुल टैंक है, तो अभी गोवा में ही भरेंगे, बीच में कुछ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, गाड़ी का अभी 200 किलोमीटर हुआ है, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा है कितना मैंने ड्राइव किया, लेकिन हाँ वेल, एकदम सही से जा रहा है सब कुछ। जैसे ही मैं पुणे से निकला था तो वेदर ऐसा था एकदम धूप सीधी, और पूरे जर्नी तक, लाइक अभी मैं हूँ अम्बोली घाट में और पूरी जर्नी में मुझे पूरा यानी कि धूप ही धूप थी। मुझे लगा चलो ठीक है, गोवा अभी अच्छे से इंजॉय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बारिश बहुत थी। ये रूही चैनल, इसको भी एक यूट्यूब चैनल बनाना है, रूही चैनल इसको बनाना है। तो अभी ये भी थोड़ा एक्साइटेड होती है मेरे को देख देख के और करती है। लेकिन भाई जैसे मैं अम्बोली घाट में एंटर हुआ, अम्बोली घाट अभी और दूर है, लेकिन उसके बाद बारिश शुरू हो गई और अच्छा लगा। पता नहीं धूप थी गोवा बारिश में कैसा है क्या नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मज़ा आएगा शायद से लगा, अपने दोस्त लोग साथ में है तो कहीं पर भी मज़ा आ ही जाता है ऑलमोस्ट। और अभी ये बनाने वाले हैं इसका खुद का यूट्यूब चैनल, और अगर मैं आपको सामने बताऊँ तो मस्त ऐसा डेन फॉरेस्ट है और बहुत ही सही लोकेशन है। और अब बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली में मीन्स इस ड्राइव कर रहा हूँ गोवा में। 3 साल पहले मैंने रोड ट्रिप ही किया था बाय कार, तो अपने लिए 400-500 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, दैट इज ओके फॉर मी। और अभी ऑलमोस्ट मैंने 350 किलोमीटर चला है, कुछ भी नहीं लाए, कार भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मोर 500 किलोमीटर भी चला लूँ तो भी कुछ नहीं। और बस अभी और क्या चाहिए भाई, बारिश जैसे ही मेरे सामने आ जाती है तो मेरा और जोश बढ़ जाता है गाड़ी चलाने का। और बस बस क्या है मेरे एक्सप्रेशन, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। आप देखोगे तो अभी हम एकदम डेंस फॉरेस्ट में चल रहे हैं, और ये जो अभी शूटिंग हो रही है ये रूही कर रही है, तो बोल डैडू। तो अभी मैं अभी आपको दिखा दो, अगर आप आगे देखोगे तो पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पे साइड में साइन बोर्ड्स लगे कि विच एनिमल का एरिया है ये, कौन से एनिमल का एरिया है। और बारिश अभी जस्ट ख़त्म हुई है, लेकिन बहुत ही घना घना जंगल है, बड़े बड़े ट्रीज है यहाँ पे, और बस मज़ा आ रहा है ड्राइव करते समय, और रूही भी बहुत एंजॉय कर रही है। हेलो गाइस, आज तुम लोग का रूही वीडियो है, थोड़ा दूर पकड़ा था बोल ना, बोल वेलकम बैक टू माय चैनल रूही चैनल। हम लोग जा रहे हैं गोवा पे, जा रहे हैं हम लोग, तो हमके पास 3-8 मिनट से उड़ाने को,
ओके तो अभी मिलते हैं उधर, चलो। ऑलमोस्ट मैं चला रहा हूँ बाइक, सॉरी बाइक क्या बोल रहा भाई, बाइक कार, लाइक पिछले 5-6 घंटे से, लेकिन बिल्कुल ऐसा थकान से महसूस नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीट्स एंड कंफर्ट। और अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे बचे हैं पहुँचने के लिए। 130 किलोमीटर है लेकिन नहीं चलती भाई। एवरेज अगर स्पीड है मैं आपको दिखाऊँ तो एवरेज स्पीड अभी मेरा 46 का है, यानी कि मैं 80 के आगे कार को नहीं भगाया है, लेकिन तो भी एवरेज स्पीड मेरा 40-50 के बीच में ही रहा है। और बस अभी जैसे अभी वो लैंड हो चुके हैं गोवा में, पहुँचे पटापट और आगे देखते फिर क्या क्या इन्जॉय करते आज, या फिर आज आराम करेंगे, कल अच्छे से मस्त एकदम घूमेंगे, बीच पे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। कैमरा मैंने सेट कर चुका है बराबर, शायद एंगल तो भी ठीक है, अभी दिख रहा है एंगल, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है, शायद से कैमरा में कैद हो चुका है वो वाला, सामने जब भी गाड़ी गई ना उसका एक्सीडेंट, तो अभी देखते हैं। लेकिन भाई मुझे सीनिक व्यू लगा सारा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले कैमरा ऑन कर दे। अभी मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ, जैसे रिस्क क्या है ना कि एक तो कैमरा मैं आगे लगा देता हूँ, माउंट कर देता हूँ, उसकी ड्यूरेबिलिटी रियल है, देख ली है मैंने ऑलरेडी भंडारधरा में, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी माइक जो है वाटरप्रूफ है कि नहीं है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन भंडारधरा में 100% माइक पूरा की पूरा लाइक भीग गया था, तो उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आया, तो होपफुली देखते। लेकिन ये ब्लॉगिंग करने में भी कुछ एक अलग है, लाइक एक्सपीरियंस है, और मस्त ऐसा सेट करता हूँ, सब लोग देखते हैं कैमरा की तरफ कि अरे क्या सेट किया है। और इतने साल बाद गोवा जा रहा हूँ ना, उसका इतना एक्साइटमेंट है ना आफ्टर लॉन्ग टाइम। और जो लास्ट ईयर जो हम लोनावाला गए थे, वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स मिले थे अतुल और बाजी, वही अभी भी साथ में है मेरे। और कहाँ जा रहा हूँ ये आपको वही जाके बताऊँगा। और अतुल का बहुत एक रिक्वेस्ट है मुझे कि एक पूरा वीडियो बनाऊँ मैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ जिस रिसॉर्ट में, तो देखते हुआ तो थोड़ा टाइम तो थोड़ा 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 बना देंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी अपना शुरू तो हो चुका है जर्नी। अभी मैं फ़िलहाल हूँ अम्बोली घाट में, इसके पहले मैं आया हूँ, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते थे ना, बैचलर थे तो हम निकलते थे रात को 11-12 बजे, फिर रात में क्या तो समझ में ही नहीं आता था कौन सा घाट क्रॉस कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे क्या है उसमें बहुत। तो अभी कैसे ना पूरा डे में मैं फर्स्ट टाइम मैं डे में ट्रैवल कर रहा हूँ टूवर्ड्स गोवा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। तो अभी देखिए आप ये नज़ारे सारे आगे जो आपको दिख रहे, लेकिन हाँ बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और जब भी बारिश होती है तो मुझे एक मस्त लगता है, अच्छा लगता है, मेरा बहुत ज़्यादा खुल जाता हूँ मैं एक्सपीरेशन और एक्सपीरियंस। बस अरे माइक का ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि माइक ख़राब ना हो जाए भाई, नहीं तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, नहीं तो वापस से, क्योंकि माइक है इसलिए मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, वॉइस क्लैरिटी भी अच्छे से आती है और हो जाता है एक ब्लॉगिंग हो जाता है। और एक जगह है उसको माउंट करने का नियरेस्ट, तो देखते आगे अगर हो सका तो वहीं पर उसको लगाएंगे। एक बार अंदर से भी ट्राई करके देखूँगा मैं कैसा होता है, फिर कोई टेंशन नहीं है, नज़दीक रहता अभी क्या हर बार कार।
गाइस दिस इज अ वाटरफॉल। अभी एक्चुअली यहाँ से जाने नहीं दे रही है भाई साहब, यहाँ पे खड़े एंट्री ही बंद है, नहीं जा पा रहा हूँ मैं अंदर तक। लेकिन यार बहुत ही खूबसूरत है, कुछ यहाँ पे वीडियो निकालने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और यहाँ से अगर देखोगे तो बराबर यहाँ से कैच हो रहा है, बहुत ही ऊपर से आ रहा है वाटर फॉल। बहुत मन कर रहा है भाई यहाँ से आने का, लेकिन 6 बजे के बाद में जा सकते हो, उसके बाद में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत ही ऊपर से आया एक्चुअली, यहाँ से गिर रहा है अभी फॉग है उसे, लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया था। क्या मिला भाई एक्चुअली वही वहाँ तक एंट्री, लेकिन 6 बजे के बाद कोई यहाँ पे है नहीं। इसे वही देखिए यहाँ से गिर, बहुत ही खूबसूरत ऐसा वाटरफॉल है, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग। हाँ भाई मज़े ही मज़े, एक बंदा अच्छा मिल गया भाई, अभी जा रहा हूँ नहीं मस्त। यहाँ एक एक ड्रीम मोमेंट है ये, छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूँढो आपको मज़ा आएगा जी। अभी शूज़ तो भाई पूरा गीला हो चुका है मेरा, लेकिन ठीक है भाई शॉर्ट तो बढ़िया आया है आपके लिए। अभी जाता हूँ नीचे तक, देखते हैं क्या सीन है। और अभी ऐसे तो गीले इसमें तो नहीं चला पाऊँगा, चप्पल है चेंज तो करता हूँ मैं इसको, थोड़ा तो भीगा थोड़ा क्या, ऑलमोस्ट सारा भीग चुका भाई। लेकिन हाँ मस्त ऐसा नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन सही है। जस्ट अभी एंटर हो चुके हैं क्लब महिंद्रा में, अभी देखते हैं एक्चुअली रेस्ट टाइम बहुत हो गया है भाई, बहुत बड़ा जर्नी हो गया है। और अभी हम एक सेकंड होगा मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, तो अभी पहले एंट्री करते हैं और फिर पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके बाद में फिर हम फ्रेश होके निकलेंगे, बस वही एक प्लान है। तो अभी अपना दोस्त आ चुका है सामने से रेस्टोरेंट, तो 10:30 बजे खुला, लेकिन ये हरदम मुझे कुछ ना कुछ तो देते रहता है, तो ये एक कुछ ना कुछ टोपी देता है। 10:30 बजे तक रेस्टोरेंट खुला है, ये बोल रहा है कि 10 बजे तक ही खुला है। तो पहले हम देखते हैं, अभी थोड़ा फ्रेश होके पर निकलते हैं। और ये देखो बच्चा कंपनी, ओए हेलो करो, हेलो पैसा ना क्या चुप, अरे हेलो करो हेलो, फिर बोलते हैं मेरे को लेता नहीं है ना। करेगी करेगी, हेलो चलो अभी पहले थोड़ा सा आपको टूर देता हूँ एंड चेकआउट चेक इन करते हैं पहले, फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। हेलो सब, हेलो हेलो करो हेलो, कल से अपने सब गैंग रहेंगे साथ में, कल से सारे लोग अपने साथ में रहेंगे, पूरा गोवा हिला डालेंगे। हेलो बिल्कुल नहीं आ रहे, नहीं नहीं क्या करो, गर्म पानी पियो, नमक का पानी करो। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने का समय आ चुका है, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में जो शुरू हो रहा है क्लब महिंद्रा वारका रिसोर्ट से। तो बस ये कुछ आज का रूम है, यहाँ पे एक बेड हॉल जैसा है और ये इनसाइड बेडरूम है, ये अभी सोने की तैयारी सबकी। और बहुत ही खूबसूरत ऐसा ये रिसोर्ट है, अभी तक मैंने आपको पूरा बताया नहीं, लेकिन कल 2 दिन इधर ही हुए, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो में आ ही जाएगा। और अपन थोड़ी ना किसी के रिसोर्ट के रिव्यू के लिए आए, तो बस जितना आपको दिखा सकता उतना दिखा दूंगा। बाकी मिलते हैं कल से, नया ब्लॉग शुरू होगा। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कार का, बहुत मज़ा आया, अभी तक थका नहीं हूँ। अभी बस जस्ट थोड़ा टाइम पास करके सब लोग चले गए, अभी मैं भी सोता हूँ, कल ब्रेकफास्ट में मिलेंगे। और बस प्राइवेट बीच है इस रिसोर्ट का, वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे, फ़ोटोशूट निकालेंगे, अगर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ है वो भी करेंगे। और बस देखते रहिए ब्लॉग को, सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।